What are the key responsibilities and challenges faced by border security forces in safeguarding India's borders, and what measures can be taken to enhance its effectiveness in ensuring national security? Introducing Edegumi's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the Mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your Mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your maze preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality.

पूरे अच्छे तरीके से रट लें अगर तो सबसे बेस्ट है नहीं तो अब अपने मोटो हमेशा हमेशा तो क्या, क्या, क्या है इस तरह की चीजों को आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लें तो आपको बहुत यूज में आने वाला है क्योंकि इस पर बेस्ट यूपीएस क्वेश्चन पूछेगा ही क्वेश्चन सिलेबस कहां से अब हम लोग चलिए चलते फर्स्ट पार्ट में Now, इंट्रोड्यूस हम लोग कैसे करेंगे आपको पता है यू हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट बीएसएफ बीएसएफ के बारे में बताइए कैसे बता सकते हैं सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई भी सिक्योरिटी फोर्स के बारे में पूछा जाए तो एक तो कि वो कब एक्जिस्टेंस में आया था तो बी एस एफ फोर्स केम इंटू एक्सिस्टेंस ऑन दिसंबर वन नाइन आपने बता दिया एंड विच मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ठीक है यहां पर ध्यान देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आता है नाउ दिस इज दिसम्स क्वेश्चन की बी एस एफ अगर आपसे कंफ्यूज कराने के लिए मे भी पूछा सकता है बोला डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है तो ये नहीं होता है दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नाउ अगर आप लोग देखें हमने बोला कि अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी फोर्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट विद मोटो अगर आप याद कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है आपको कुछ यहां पर जैसे आप तो मोटो ऑफ बी एस एफ क्या है जीवन पर ड्यूटी अगर आप ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर को यह पता है की you know, अच्छा इंप्रेशन बनाता है और आपको पता चलता है की स्टूडेंट ने काफी अच्छे से मेहनत की है इसके आगे लिख सकते हैं आपकी इंडिया का जो जियोग्रफिकल जो एक्सपैंस है वो एक लैंड बॉर्डर स्ट्रेचिंग ऑफ ओवर फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम आर मेरी टाइम बाउंड्री जो है हमारा उसके अलावा लैंड बाउंड्री आप देख रहे हैं फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर है और आप समझिए कि कितना बड़ा बॉर्डर है एंड विद से रिलेशन काफी अच्छे नहीं है कुछ कंट्रीज के साथ लेकिन जैसे पाकिस्तान हुआ चाइना हुआ बहुत केसेस में जो है नेपाल के साथ भी कंफ्लिक्ट रहते हैं तो इसी कारण क्या है कि जो ये नेबरिंग कंट्रीज है इनके साथ हमारा बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर है और इसी लैंड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना इसमें बी

इन्फिल्ट्रेशन अपने जो है किसी एजेंट्स को भेज सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं किसी इन लीगल इन्फिल्ट्रेशन करा सकते हैं जिसके वजह से हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाए तो इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है इनलीगल एंट्री किसी भी कंट्री में रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो इवन यूएस में भी यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे भी काफी इन्फिल्ट्रेशन होता है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर इंडिया में बी इसमें काफी मदद करता है इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपके जो है बॉर्डर पे काउंटरिंग क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग स्मगलिंग क्या होता है ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है कैटल ट्रैफिकिंग होता है

की रेस्पॉसिबिलिटी फर्स्ट है इसमें सर्वेलेंस ऑपरेशन करना रेगुलर पेट्रोल करना बॉर्डर चेक टू प्रिवेंट एनी थ्रेट टू भी इलीगल मूवमेंट नहीं हो रहा है ये काम करती है इसमें आप एक example कर सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान इन ऑपरेशन इन पंजाब इन अच्छा काम करती है, है तो डिफरेंट आप जो है एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इसके अलावा काउंटर टेरिजम एंड इंटरनल सिक्योरिटी हमने देखा कि जो इन्सर्जेंट मूवमेंट होता है वो मैक्स टाइम जो है वो टेररिज्म के परस्पेक्टिव से किया जा सकता है लोन वुल्फ ऑपरेशन जो होता है इस तरह का चीज और खास करके जम्मू एंड कश्मीर में तो इसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आप बोल सकते हैं यहाँ पर बी बहुत काम आता है बी

ज ओवर 550 किलोग्राम्स ऑफ नार्कोटिक्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर आपको पता है कि लॉट ऑफ ड्रग्स इन पंजाब कम्स फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है इन एरिया से आता है तो बीएसएफ का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप एक कोट करके ये बता सकते हैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट आप सोचते हैं क्या जैसे ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ बहुत टाइम जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं मैक्सिमम बॉर्डरिंग एरियाज में ही कवर करते हैं तो बॉर्डरिंग एरियाज में क्या होता है फ्लड जैसे आसाम में फ्लड आ गया था तो उस समय बी भी बहुत ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में सपोर्ट करती है फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं फ्लड ंग्लादेश बॉर्डर कोर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस होता है यह प्रमोट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिजल्व बॉर्डर रिलेटेडेंसोंग दी बॉर्डर तो एक अच्छा रिलेशन बना के रखना सामने वाले कंट्री के साथ एट द सेम टाइम सिक्योरिटी में रिलेशन भी जो है बहुत सारे जो हायर ऑफिशियल होते हैं का उनका होता है, तो आप एक, एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, we, we अगर आप पर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है पॉइंट लिखिए कुछ उसके बारे में लिखिए एंड कोर्ट एंड एग्जाम्पल तो आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो जाता है इसके अलावा यू कैन राइट इंटरनेशनल को

ट चैलेंज बना रहता है कि हमें जो है अपना जो बॉर्डर का वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए इसके बाद कुछ प्रॉब्लम जो अभी देखने को मिल रहे हैं दैट इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अब जो एनिमी कंट्रीज है दे आर यूजिंग हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज लाइक यूएवी ड्रोन तो हमारे यहाँ भी ऑलरेडी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजीज में लेकिन थोड़ा सा क्योंकि इंडिया का बॉर्डर ज्यादा बड़ा है और चैलेंजेस ज्यादा है तो इसमें हमें थोड़ा सा पेस गेन करना पड़ेगा जैसे कि हमें भी थर्मल इमेजिंग डिवाइसेज हो क्योंकि थर्मल इमेजिंग डिवाइस काफी यूजफुल होते हैं इन कैचिंग इलीगल ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खास करके रात के टाइम में काफी ज्यादा यूज आ जाता है इसका तो इसी कारण आपको देखना है कि ये टेक्नोलॉजीज का इंप्रूवमेंट होना काफी इंपॉर्टेंट है इसके बाद कोऑर्डिनेशन विद मल्टीपल एजेंसीज बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो लोकल पुलिस होता है इवन आर्मी एंड बीएसएफ के बीच में कॉर्डिनेशन का कमी देखा गया है ऑब्वियसली ये कोशिश करते हैं कि कॉर्डिनेशन बना रहे पर कहीं कहीं पे जुरिडिक्शनल इश्यूज आ जाते हैं कहीं पर पुलिस ये बोलती है कि आपका ये एरिया नहीं है बी के साथ टसल हो जाता है तो ये सब भी प्रॉब्लम है जो की कॉर्डिनेशन विद मल्टीपल एजेंसी के अंदर आप लिख सकते हैं इसके बाद देखिए क्या होता है टे एंड डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन अब होता क्या है कि अब सबसे अब ये कहीं पे बात है कि देखिए अगर जैसे इलीगल मूवमेंट ऑफ ह्यूम होता है फ्रॉम बांग्लादेश या फिर फॉर दैट मैटर ऑफ म्यांमार से होता है तो इस केस में क्या होता है कि बी को बहुत कड़ा रुख अपना के रखना पड़ता है लेकिन बहुत केस में क्या होता है डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है तो यहाँ पर एक ये इशू इनके भी हो जाता है कि कैसे जो है इस चीज को कंसिडर किया जाए कैसे इस चीज को मॉनिटर किया जाए इसके बाद अगर आप बोलेंगे अभी जो रिसेंट इशू देखने को मिला है दैट इज पब्लिक ऑर्डर वर्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने असर्ट किया है नोटिफिकेशन की सेंटर इंक्रोच कर रहा है अंडर दी गाइज ऑफ सिक्योरिटी और डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है क्या की बी को पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एरियाज में इंटरफेरेंस हो रहा है इन दियर लॉ एंड ऑर्डर और सेंटर यूज कर रहा है बी को तो दिस इज अगेन आप बोल सकते हैं कि टसल बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेइजेशन तो इसको भी आप चैलेंजेस में कोट कर सकते हैं तो हमने काफी ज्यादा चैलेंजेस डिस्कस कर लिया इसके अलावा यू कैन ऑलसो राइट वन टू पॉइंट जितना ज्यादा पॉइंट लिखेंगे डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाला है इफ अ 15 मार्कर क्वेश्चन कोशिश करें कि एटलीस्ट यू राइट 15 पॉइंट्स ठीक है 15 पॉइंट्स तक अगर आप

डिफरेंट जो एजेंसीज हैं चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या सिक्योरिटी फोर्सेज हो इनके बीच में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मेन हमारा मोटिव है जो हमारा जो मोटिव है जो बॉर्डर सिक्योरिटी उसको हम लोग इंश्योर कर पाए इसके बाद क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन भी बढ़ाना चाहिए जैसे बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट की जिससे हमारा बीएसएफ को बीएसएफ के वर्किंग में इंप्रूवमेंट होगा एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या हुआ कि देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना जो लोकल पीपल होते हैं अराउंड दी बॉर्डर एरियाज उनको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है तो वहां पर अगर आप बी जो है अगर कम्युनिटी के साथ एंगेज करती है और आपको एक पर एक होता है, उनको देखते हैं कि you have, you है तो एफ का वर्किंग इंप्रूव हो सकता है तो हमने देखा काफी में करना है आपको कंक्लूड यू कैन कंक्लूड की इनहैसिंग दफेक्टिवनेस बी इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी रिकॉर्ड एड्रेसिंग दी चैलेंजेस इट फेसेस एंड इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू बोलसर इट्स कैपेबिलिटी यहाँ पर आप कुछ पॉइंट बता सकते हैं और कुछ ऐसे एंड कर सकते हैं अगर कमिटी है रिगार्डिंग इंप्रूव

ओवर द टाइम इंप्रूव करेगा अभी आपको लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा कंटेंट है इतने को हम लोग कैसे टेन मिनट्स में लिखेंगे लेकिन बिलीव मी कि आप धीरे ओवर द टाइम अगर प्रैक्टिस करते जाते हैं तो यू आर गोइंग गोइंग डेफिनेटली टू इंप्रूव तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक तो थैंक यू